हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडन। रियाक्ट जैसे सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। देखिए, कॉन्टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको ये फ्लो डायग्राम समझना पड़ेगा। तो पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट में डिटेल में आएंगे। सपोज आपने अपने एप्लीकेशन में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बनाए, जिसमें से एप डॉट जेएस है, होम डॉट जेएस है, अबाउट डॉट जेएस है और कॉन्टेक्ट डॉट जेएस। और इसमें जो आपने एप डॉट जेएस बनाया है ये पेरेंट क्लास है, होम डॉट जेएस जो है ये चाइल्ड क्लास है। होम डॉट जेएस का जो चाइल्ड क्लास है वो अबाउट डॉट जेएस है, और अबाउट डॉट जेएस का जो चाइल्ड क्लास है वो कॉन्टेक्ट डॉट जेएस है। तो सपोज आपको एप डॉट जेएस से डेटा पास करना है कॉन्टेक्ट डॉट जेएस में, तो आप क्या करोगे? एप डॉट जेएस से सबसे पहले होम डॉट जेएस में डेटा पास करोगे, किसके थ्रू? प्रॉप्स के थ्रू। उसके बाद होम डॉट जेएस से अबाउट डॉट जेएस में डेटा पास करना पड़ेगा, और फाइनली अबाउट डॉट जेएस से कॉन्टेक्ट डॉट जेएस में डेटा पास करना पड़ेगा। ये तो आपने फिलहाल चार कंपोनेंट बना रखा है। सपोज आपने अपने एप्लीकेशन में इसी तरह का नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बना करके रखा है, तो उस केस में सेम इसी फॉर्मेट में डेटा पास करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो डेटा हर एक कंपोनेंट में पास ना करके एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करके आप डेटा डायरेक्टली कॉन्टेक्ट डॉट जेएस को पास कर सकते हैं, और यही आपका कॉन्सेप्ट होता है कॉन्टेक्स्ट का। कॉन्टेक्स्ट बेसिकली काइंड ऑफ एपीआई है, जिसका बेसिकली यूज आप कंपोनेंट की तरह यूज कर सकते हो। इसमें बेसिकली आप एक ग्लोबल वेरिएबल बनाते हो और उस वेरिएबल को डायरेक्टली आप दूसरे कंपोनेंट में यूज कर सकते हो। तो इस केस में अननेसेसरी आपको हर एक कंपोनेंट में डेटा पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम भी सेव होगा, कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस होगी, और आपका मेमोरी का अननेसेसरी लॉस नहीं होगा। तो हम नॉर्मल केस में देखेंगे कि जब हमें एप डॉट जेएस से कॉन्टेक्ट डॉट जेएस में डेटा सेंड करना है, तो उस केस में होम डॉट जेएस और अबाउट डॉट जेएस का यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले हम प्रॉप्स पास करेंगे, और फाइनली लास्ट में हम कॉन्टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट देखने के लिए ये जो तीन कंपोनेंट बनाया गया है ये हम उसी टाइम समझ लेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, सारे फाइल बना लेते हैं। तो एप डॉट जेएस के लिए यहां पे कंप्लीटली रिमूव किए, और यहां पे हम फंक्शन कंपोनेंट बनाएंगे, तो आर एस सी कर लिए, एंटर। यहां पे आप ले सकते हो एच वन टैग पे एप कंपोनेंट, ये हो गया आपका। अगला जो हमारा फाइल नेम रहेगा वो होम डॉट जेएस रहेगा, तो यहाँ पे होम डॉट जेएस हो गया, एंटर। इसमें भी फंक्शन कंपोनेंट बनाना है आपको, तो आर एस सी हो गया, एच वन टैग पे होम कंपोनेंट, ये हो गया। अगला जो फाइल रहेगा वो हमारा अबाउट डॉट जेएस रहेगा, अबाउट डॉट जेएस कर दिए, आर एस सी कर लिए, एंटर। ये जो हमारा रहेगा वो अबाउट कंपोनेंट रहेगा, तो यहाँ पे आप ले सकते हो अबाउट कंपोनेंट। और लास्ट जो हमारा फाइल नेम रहेगा वो कॉन्टेक्ट रहेगा, तो कॉन्टेक्ट डॉट जेएस, एंटर। आर एस सी किया, एंटर। और ये जो हमारा होगा एच वन टैग पे कॉन्टेक्ट कंपोनेंट, ये होगी। अब हमें एप डॉट जेएस से कॉन्टेक्ट डॉट जेएस में डेटा भेजना है, तो सबसे पहले होम डॉट जेएस को एप डॉट जेएस में इंपोर्ट करना है, क्योंकि होम डॉट जेएस जो है वो एप डॉट जेएस का चाइल्ड क्लास है। तो होम का इंपोर्ट आप एप डॉट जेएस पे करोगे। उसी तरह का अबाउट डॉट जेएस है, उसको इंपोर्ट आप होम डॉट जेएस पे करोगे, अबाउट को आप एप डॉट जेएस पे नहीं इंपोर्ट करोगे। उसी तरह कॉन्टेक्ट को आप अबाउट डॉट जेएस पे इंपोर्ट करोगे। तो सबसे पहले यहां पे होम को इंपोर्ट कर लेते हैं, तो इंपोर्ट होम फ्रॉम सिंगल कोट में डॉट स्लैश होम हो गया, और इसी को यहां से आप यूज कर सकते हो, यहां पे लिख सकते हो होम, ये हो गया आपका। यहां से आपको प्रॉप्स पास करना है, तो यहां पे आप लिख सकते हो कॉन्टेक्ट इक्वल्स टू, और
कॉन्टेक्ट में आप भेज सकते हो, सपोज आपने भेजा है 9877181052 ये भेजा है, तो यहाँ पे फिलहाल कॉन्टेक्ट वन कर लेते हैं क्योंकि हमें सारे में प्रॉप्स पास करना है। तो ये हो गया। अब आपको अबाउट डॉट जेएस को होम पे इंपोर्ट करना है, तो इसके लिए यहाँ पे लिख सकते हो आप इंपोर्ट अबाउट फ्रॉम अबाउट डॉट जेएस, तो डॉट स्लैश अबाउट हो गया। अब जो आपने डेटा पास किया है ऐप डॉट जेएस पे, इसे आपको यूज करना है, तो यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आपको प्रॉप्स लिखना है और यहां पे आपको अबाउट को इंपोर्ट कर देना है और इस अबाउट पे आपको लिखना है कॉन्टेक्ट टू कर लेते हैं। यहां पे वहां से हमने कॉन्टेक्ट वन भेजा है, इसको हम कॉन्टेक्ट टू कर लेते हैं, तो इक्वल्स टू यहां पे आप लिख सकते हो प्रॉप्स डॉट, वहां से कॉन्टेक्ट वन भेजा है तो कॉन्टेक्ट वन कर लिए। आपको पता है कि प्रॉप्स ऐसे ही पास करते हैं हम लोग, पहले प्रॉप्स कीवर्ड देते हैं या प्रॉप्स की जगह पे कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे एबीसी कर लेते हो तो यहाँ पे आपको एबीसी लेना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए प्रॉप्स करते हैं, सेव किए। अब अबाउट में हम कॉन्टेक्ट टू को यूज कर सकते हैं, तो अबाउट वाले में हमें किसको इंपोर्ट करना है, कॉन्टेक्ट को इंपोर्ट करना है, तो यहां पे आप ले सकते हो इंपोर्ट कॉन्टेक्ट फ्रॉम सिंगल कोट में कॉन्टेक्ट, और यहीं पे आप क्या करोगे, इस कॉन्टेक्ट को यूज कर लोगे, तो यहां पे कंट्रोल वी और यहां पे पॉज पास करना है आपको, तो कॉन्टेक्ट थ्री कर लेते हैं इसको, और हमारा जो आ रहा है वो कॉन्टेक्ट टू आ रहा है, तो प्रॉप्स डॉट कॉन्टेक्ट टू और यहाँ पे प्रॉप्स लिखना है, प्रॉप्स आपको देना जरूरी है, तो ये हो गया। अब फाइनली कॉन्टेक्ट में हम इसको यूज कर लेंगे, तो पी टैग ले लेते हैं, तो पी टैग पे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो प्रॉप्स डॉट कॉन्टेक्ट थ्री, ये हो गया। यहाँ पे आप ले सकते हो कॉन्टेक्ट इज, इसको सेव किया, टर्मिनल पे गया, न्यू टर्मिनल पे गया, यहाँ पे प्रॉप्स आपको लिख लेना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट फोल्डर में जाना है, तो सीडी प्रोजेक्ट फोल्डर पे गया। अब आपको एनपीएम स्टार्ट करना है, एंटर, तो देखिए फाइनली आपका आउटपुट आ गया है, ये ऐप कंपोनेंट वाला है, ये होम कंपोनेंट, ये अबाउट कंपोनेंट और ये कॉन्टेक्ट कंपोनेंट। फाइनली आपने जो डेटा पास किया है ये कॉन्टेक्ट वाले पेज पे डिस्प्ले हो गया। तो ये था लॉन्ग मेथड जिसमें आप प्रॉप्स यूज करते हैं। अब सेम डेटा आपको कॉन्टेक्स्ट के हेल्प से पास करना है, तो कॉन्टेक्स्ट पे आप क्या करते हो, पहले आपको कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद आपको वैल्यू के लिए प्रोवाइडर क्रिएट करना पड़ता है और फाइनली इसको कंजम्पशन के लिए कंज्यूमर क्रिएट करना पड़ता है। तो प्रोवाइडर और कॉन्टेक्स्ट आप वहां पे क्रिएट करते हो जिस कंपोनेंट से आपको डेटा भेजना है, और कंज्यूमर वहां पे यूज करते हो जो इसको एक्सेस करे। तो उस केस में app.js में आपको कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, यहां पे एक वेरिएबल आपको लेना है, तो कॉन्स्ट कॉन्टेक्स्ट कर लेते हैं इक्वल टू रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ये करना होता है ब्रैकेट सेमी कोलन, और यहां पे आपको डिफॉल्ट वैल्यू देना होता है, तो आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, अगर आपको देना है तो सिंगल कोट्स में कुछ भी ले सकते हो, तो ये फिलहाल हम नहीं कर रहे, ये हो गया। और जो आपने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है इसी से आपको प्रोवाइडर क्रिएट करना होता है, तो प्रोवाइडर से ही बेसिकली आप वैल्यू क्रिएट करते हो, तो यहां पे आप लिख सकते हो कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ये हो गया है। और इसी में
चाहो तो आप इसे ले सकते हो, यहाँ पे कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल वी किया, लेकिन यहाँ पे जो आप टॉर्च पास कर रहे हो ये यहां से पास ना करके डायरेक्ट यहां पे आप लिखोगे वैल्यू इक्वल टू, और यहां पे आपको वैल्यू पास करना है। तो आपका जो वैल्यू था वो क्या था, 9871181052। तो ये हो गया आपका, यहां पे होम डॉट जेएस पे गया। यहां से इसको कंप्लीटली रिमूव कर लेते हैं, ये हमारा काम का नहीं है, यहां पे भी हमारा ये काम का नहीं है, सिर्फ हमें कंपोनेंट्स इंपोर्ट करने हैं। और फाइनली जो आपने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है वो आपको कॉन्टेक्स्ट जेएस में यूज करना है। तो उसके लिए यहां से आपको पहले एक्सपोर्ट करना होगा इस कॉन्टेक्स्ट को, यहाँ पे पहले आपको एक्सपोर्ट करना है। सिंपली आपको लिखना है एक्सपोर्ट सिंगल ब्रैकेट में कंट्रोल वी, और सेम आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट में देना है आपको कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम, फाइल नेम कौन सा है, ऐप डॉट जेएस में, क्योंकि ऐप डॉट जेएस में आपने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रखा है। तो यहां पे आप लिख सकते हो डॉट ऐप, ये हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, कंज्यूमर क्रिएट करना है। तो कंज्यूमर के लिए आपको क्या करना है, उस केस में यहां पे आपको लिखना है कॉन्टेक्स्ट, तो यहां पे इंपोर्ट की वो डॉट कंज्यूमर, ये प्रीडिफाइंड कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये हो गया, और फाइनली यहां पे आपको एक एरो फंक्शन बनाना होता है, या बोल सकते हो कॉल बैक फंक्शन बनाना होता है। तो कर्ली ब्रैकेट देना होता है, एरो फंक्शन के लिए आप क्या करते हो पैरेंथेसिस देते हो, यहां पे एरो का साइन देते हो और कर्ली ब्रैकेट देते हो। इस एरो फंक्शन में आप कुछ भी वेरिएबल पास कर सकते हो, तो यहां पे कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया, और ये वाले जो आपने लिख रखा है इसको यहां पे कट करके कंट्रोल वी किया, और यहां पे जो आपने पास कर रखा है प्रॉप्स और कॉन्टेक्ट थ्री ये रिमूव किया, और यहां पे आप डायरेक्टली इस कॉन्टेक्ट को पास कर सकते हो कंट्रोल सी कंट्रोल वी। और एक बात आपको और ध्यान रखना है कि जब भी आप ये लिखोगे तो यहां पे आपको रिटर्न कीवर्ड देना है। तो रिटर्न लिख लिया, इसको सेव किया, ब्राउजर पे गया, तो देखिए यहां पे सेम आपका रिजल्ट आ रहा है। तो इस तरह आप कॉन्टेस्ट के थ्रू एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करते हो और यहां से आप वैल्यू पास करते हो, और यही वैल्यू डायरेक्टली आप कॉन्टेक्ट डॉट जेएस में यूज कर सकते हो। तो आपको होम डॉट जेएस और अबाउट डॉट जेएस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। आप और डेटा पास करना चाहोगे तो वो भी कर सकते हो, उसके लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक और कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट वन कर लेते हैं। इस केस में आपको यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट वन, क्योंकि आपने कॉन्टेक्स्ट बना रखा है। तो कॉन्टेक्स्ट वन डॉट प्रोवाइडर, ये हो गया आपका, और यहीं पे आपको इसको ले लेना है कंट्रोल वी, और यहां से आप वैल्यू पास कर सकते हो। तो यहां पे हम कर लेते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहां पे हम लोग कर लेते हैं 72। सेम यहां से एक्सपोर्ट करना है, तो यहां पे आपको लिखना है कॉन्टेक्स्ट वन, सेम आपको यहां पे इंपोर्ट करना है, तो यहां पे भी आप लिख सकते हो कॉन्टेक्स्ट वन, और इस कॉन्टेक्स्ट को यहां पे आपको यूज करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आपने लिख रखा है इसको यहां से कट किया, कुछ देर के लिए इसको यहां पे रख लेते हैं, और यहां पे आपको लिखना है रिटर्न कीवर्ड। रिटर्न कीवर्ड लिखने के बाद आपको लिखना है कॉन्टेक्स्ट वन कंज्यूमर बेस के लिए आपको क्रिएट करना है। तो डॉट कंज्यूमर करते हो, यहां पे कंज्यूमर हो गया, यहां पे एंटर, और यहां पे आप सेम यही फॉर्मेट में लिख सकते हो कर्ली ब्रैकेट एरो फंक्शन, यहां पे फिर से कर्ली ब्रैकेट, और यहां पे आप एक वेरिएबल पास कर सकते हो। तो यहां पे आप लिख सकते हो कॉन्टेक्ट वन, और फाइनली यहां पे आपको ये वाला डेटा पास कर देना है।
कंट्रोल जी किया और यहां पे आप लिख सकते हो कॉमा ले सकते हैं कर्ली ब्रैकेट में कॉन्टैक्ट वन, ये हो गया आपका। इसे आप सेव कर सकते हो, तो कंट्रोल एस किया, ब्राउजर पे गया, तो देखिए यहां पे जो आपने दो डेटा पास किया है वो विजिबल हो गया। तो इस तरह आप कॉन्टेस्ट के हेल्प से नंबर ऑफ डेटा पास कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।